धनबाद जिले के अग्नि प्रभावित डेंजर जोन में रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी हर पल खतरे में है। कई बार अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले बस्ती घर के लोग जमीन दोज हो चुके हैं। ताजा मामला ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र बीसीसीएल गेंदुड़ी कोलवरी में संचालित आउटसोर्सिंग परियोजना के पास ट्रांसपोर्टिंग रोड में आज घटित हुई है। ट्रांसपोर्टिंग रोड से पैदल गुजर रही तीन महिलाएं जमीन दोज हो गई। अचानक बने गोफ में तीनों समा गए। तीनों महिलाएं छोटकी बउआ बस्ती की हैं, रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि जमीन दोज हुई महिलाओं का नाम परला देवी, ठंडी देवी और मंदवा देवी है। घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के रहने वाले लोगों को हुई, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर बीसीसीएल पुलिस सीआईएसएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। जमीन दोज हुई तीनों महिलाओं को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। 40 फीट लगभग खुदाई की गई है, लेकिन महिलाओं का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल घटना से आसपास के लोगों में भारी गुस्सा है। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस सीआईएसएफ बल को मौके पर बुलाया गया है। हालांकि गोफ में समाई हुई महिलाओं की क्या स्थिति है पता नहीं चल पाया है। ये रजत बस्ती का ही है, बस्ती का ही है। ये तीनों सोच करने के लिए आई थी और रोड चलते चलते जमीन धस गया। वो एक चली गई, उसको बचाने के लिए दोनों चले गए, नीचे चली गई। कहाँ के रहने वाले हैं? सुन, तीनों मेरा बस्ती का ही है। अभी वे काम पर उसको निकालने की प्रक्रिया चल रही है देखिए अभी ये धोबी कुल्ही गांव के सामने माइंस की रोड पर गोफ बस गया था और जिसमें धोबी कुल्ही गांव के तीन महिलाओं के दब जाने की सूचना है। अभी रेस्क्यू की टीम आई हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किंतु अभी तक कोई डेड बॉडी पता नहीं चल रहा है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कैसा होगा डेड बॉडी मिलेगी। क्या सर प्रशासन को बीसीसीएल की तरफ से कोई मदद मिल रहा है आप लोगों को? रेस्क्यू टीम तो बीसीसीएल की तरफ से आया है, प्रशासन हम लोग यहाँ पर हैं और रेस्क्यू टीम बीसीसीएल की तरफ से आया है। क्या भरपूर मैंने इतना से रेस्क्यू से मैंने काम चलने लायक लग रहा है? अब देखिए रेस्क्यू का काम तो किया जा रहा है, अगर इसमें और कुछ अगर उनको जरूरत पड़े तो बीसीसीएल से हम लोग डिमांड करेंगे, बीसीसीएल वाले देंगे, बीसीसीएल पदाधिकारी होंगे। अच्छा, बीसीसीएल पदाधिकारी वो लोग मैंने आश्वासन दिया कि जो जो जरूरत पड़े। हाँ जी ठीक है, बीसीसीएल से भी हम लोग संपर्क में हैं। नहीं, प्राप्त सूचना अनुसार जो है हम लोग पता जैसे चला है कि तीन महिलाओं जो है गोप में अंदर चले गए, उसमें रेस्क्यू टीम बीसीसीएल को हम लोगों ने तुरंत सूचना दी। उसमें बीसीसीएल की टीम आई हुई है, रेस्क्यू टीम, और उनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है, खोजबीन की जा रही है। खोजबीन होने के बाद जो है जो भी प्रक्रिया है सरकार का उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सर यहाँ के स्थानीय लोग जो है काफ़ी आक्रोश से कह रहे हैं कि 15 माह से जो है यहाँ पे लोग जो है जिला प्रशासन से बीसीसीएल से विस्थापन की मांग कर रहे थे, लेकिन वो नहीं किया है। नहीं, जिला प्रशासन से जहाँ तक की बात है, हम लोग का एक कमेटी भी आए थे यहाँ, माननीय हमारे विधायक जी हैं मथुरा प्रसाद महतो जी, उनके द्वारा जो पूर्व में का इसके इस संबंध में जो हम लोग को निर्देश दिया गया था उस संबंध में हम लोगों ने पूर्ण प्रक्रिया करके दे दिया था। बाकी चीज़ अब बीसीसीएल के बारे में हमें जानकारी नहीं। बीसीसीएल के अधिकारी कहीं इसमें तो दोषी आप लग रहे? नहीं नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। मतलब पुनर्वास को लेकर के वो लोग इतने अस्थिर दिखाई दे रहे हैं, क्या उसके लिए धीमी गति को लेकर क्या करना है? नहीं, जमीन चिन्हित करके तो हम लोग बीसीसीएल के कर्मी के साथ रिपोर्ट भी लगता है 1 साल हो गया होगा इसके लिए। आप मैंने जहाँ तक मेरा बीसीसीएल का बात है, वो प्लॉट बीसीसीएल का ही था, हम लोग को चिन्हित करने के लिए नक्शा तैयार करने का दिया गया था जवाबदेही, तो हम लोगों ने उसको बहुत पूर्व ही कर दिया। सर इस घटना को लेकर जिम्मेवार कौन है सर, और किसको लोग किसको मानते हैं? इतनी बड़ी लापरवाही, तीन महिलाएं जमीन के अंदर समा जाती है। देखिए लापरवाही की बात है, उसको तो हम नहीं बता सकते। ये बीसीसीएल का जमीन है, किसका है? और रही बात की ये बगल में ये हैं लोग भी हैं, तो बसे हुए लोग जा रहे थे, घटना हो गई है, अब जवाबदेही तय बाद में की जाए।